श्याम राधे कोई ना कहता, श्याम राधे कोई ना कहता, कहते राधे श्याम, कहते राधे निकम में है। सारे के सारे निकम में है। अरे मणि, चंपा, रेवती कहाँ है? सब सिर्फ जबान चलाते हैं, आप तो कोई नहीं चलाता। मणि, चंपा, अरे कहाँ मर गई थी तुम तीनों? जी नानी भाभी, अब मूर्ति की तरह खड़ी क्या हो तुम दोनों? चंपा कहाँ है? मैंने उससे कहा था खीर बनाने के लिए, कहाँ है खीर? चंपा, सच के बताइए, खीर कैसी बनी है? चुप कर। खीर कैसी बनी है? चल गया रे मरी, बोल नहीं सकती है कि गरम है खीर। अब मणि, मेरा मुंह क्या देख रहे? जा पानी ले क्या? जल्दी लाना, छुई मुई बन के आ रही। बॉडी भर के काम की नहीं हो तुम लोग, सबको घर के बाहर कर दूंगी। राधे राधे, किंजल दिख रहा? अंडे हमारे घर में? मुझे मत डांटो काकी। दिख रहा, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूं, बोल रही हूं। तुम्हारी मम्मी को पता चलेगा तो? दिख रहा, उसे इन सब चीजों से घिन आती है। गलती तो इस मणि की है, जिसने चेहरे की खूबसूरती के लिए इस पैक के बारे में बताया। ठीक है बेटा, माना के इसने तुम्हें बताया था, लेकिन तुम्हें नहीं लगाना चाहिए था ना? ये बदबू कैसी? किंजल, किसकी हिम्मत हुई इस घर में अंडे लाने की? मणि, मैंने किंजल, मैं कुछ पूछ रही हूँ। माँ, वो मणि ने कहा कि स्किन के लिए अंडा बहुत अच्छा होता है, मना किया। किंजल, तुम कोई बच्ची नहीं हो कि कोई तुम्हारे मन के खिलाफ तुमसे कुछ भी काम करवा ले, इसलिए मुझे ये झूठा बहाना देना बंद करो और जाओ, ये अंडे के छिलके जा बाहर जाकर फेंको, जाओ। और तुम मणि, इस कमरे की सफाई ठीक से कर दो, और ये डब्बा घर के बाहर फेंक कर आओ, जाओ। Jump!
शू छे राशि? जी काकी, वो आपने जो काम बोला था वो सब हो गया। तो अब वो नाश्ता कर रही है। माफ कर जो मोटा भाभी, घर की बड़ी बहू होकर आप ही घर का अनुशासन तोड़ रही हैं। सच चुके जो तुम्हें, हमारे पतियों ने जब तक मुंह में एक दाना न डाला हो, क्या हमने आज तक अनाज का एक दाना अपने मुंह में डाला है? नहीं ना? तो फिर आज आप खुद अपनी बहू को गलत आदतें क्यों डाल रही हो? फिर आप खुद शिकायत करोगी कल, मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू ने ये किया, मेरी बहू ने वो किया। सच कह रही हूं ना मैं मोटा भाभी? और तुम राशि, जाओ और जाकर सीखो अपनी जेठानी गोपी से। गोपी ने नाश्ता करना तो दूर की बात, रसोड़े के बाहर कदम तक नहीं रखा है। सीखो। कोकी, मोटा भाभी क्या कह रही थी और इस लिफाफे में क्या है? कुछ नया नहीं है, वही जो पिछले 28 सालों से होता चला आया है। आपकी बीवी होने का अपमान। मोटा भाई ने रानने की विधि के लिए सास की तरफ से दिया जाने वाला शगुन भिजवाया है। पैसे पैसे के लिए उनका मुंह ताकना पड़ता है मुझे, सिर्फ और सिर्फ आपके निठल्ले पने की वजह से। कोई बात नहीं, शहर का ये घूंट भी मैं पी लूंगी। मेरा भी वक्त आएगा, कोकिला का भी वक्त आएगा, जब मेरा दिकरा है मोदी परिवार का कारोबार और जायदाद सब कुछ अकेले हाथों से संभाल लेगा। सब कुछ मेरे दिकरे अहम का होगा और तब वो सब कुछ मेरा होगा, कोकिला मोदी का। और तब ऐसे सैकड़ों सैकड़ों लिफाफे मोटा भाभी के मुंह पर फेंकूंगी। बड़ा घमंड है ना मोटा भाभी को, परिवार के कर्ता धर्ता की बीवी होने का। तो उनका ये घमंड मैं चूर चूर कर दूंगी। गोपी, क्या हो रहा है ये? वो माँ जी, ये पता है मुझे, खाना गिर गया। खड़े हो जाओ, घर में अटला बता नौकर चाकर छे ने? काकी जी, मैं इसे यही कह रही थी लेकिन सुनती ही नहीं है। चुप, एकदम चुप। तुम्हारी जेठानी नौकरों की तरह इतना काम कर रही है और तुम खड़ी खड़ी तमाशा देख रही हो। जी नहीं, वो मैंने इसे कहा था। सब समझती हूँ मैं, बड़ों का मान सम्मान करना तो तुम्हें सिखाया ही नहीं गया है। जब तुमने देखा कि तुम्हारी जेठानी नौकरानी के तरह साफ सफाई कर रही है तो तुमने उसके हाथ से काम छीनकर तुमने क्यों नहीं किया? तुम ये सफाई करो। सांभड़ी लो, ये दोनों आपकी बेटियां हैं पर ये हक अब खत्म हो चुका है।
वैसे भी बेटियों के घर में ताक झांक करना शर्म की बात है। नहीं मैं पूजा खत्म हो गई ना जी, प्रसाद पाया ना जी, तो आपका घर आपकी राह देख रहा है। जय श्री कृष्ण। राशि ठीक से साफ करना। गोपी बहू मंदिर की सफाई कर लो।